हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। खबर है उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय लखनऊ से। इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन अखबार में निकाला जा चुका है और जो नोटिफिकेशन की बात की गई थी 8 तारीख यानी कि आज के दिन ये नोटिफिकेशन आउट होना था, वही हुआ। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है तो जो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आज से आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें कई विभिन्न प्रकार की वेरियस पोस्टें हैं, जैसे कि सहायक समीक्षा अधिकारी, आर ओ, इस प्रकार की इसमें और भी निकली हैं अब पोस्ट। तो आप देख सकते हैं, इसी नोटिफिकेशन के सहारे हम देखेंगे कि कौन कौन सी इसमें वैकेंसीज निकली हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, फ़ीस कितनी है, तो सब हम देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय में रिक्त पदों जिनका विवरण पृष्ठ 6 में दिया गया है, पूरा जो रिक्तियों का विवरण है वो पृष्ठ 6 में दिया होगा। इससे पहले हम पहले ये सारा देख लेते हैं, फिर 6 में चलते हैं। पर भर्ती हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पदों से संबंधित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताओं तथा वरीयान अर्हताओं का विवरण पृष्ठ 11 में दिया गया है, यानी कि जो रिक्तियों की संख्या है, रिक्तियों का विवरण है, वो 6 में दिया है और उनके एलिजिबिलिटी के बारे में 11 में दिया है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि आवेदन तिथि क्या है, आखिरी क्या है, ये सब देख लेते हैं हम। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ आज से हो चुके हैं, जैसे हमने बताया कि 8 दिसंबर से आज से शुरू हो चुके हैं, जो 7 जनवरी 2021 तक चलेंगे। यहाँ लिखा हुआ परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि, वहीं ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा किए जाने की अंतिम तिथि वो भी 7 जनवरी 2021 है। वहीं ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि वो भी 7/1/2021 ही है। वहीं यहाँ लिखा हुआ है, महत्वपूर्ण सूचना में लिखा हुआ है कि इस विज्ञापन में सम्मिलित समस्त पदों के लिए पृथक पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना है तथा प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक परीक्षा शुल्क भी दिया जाना अपेक्षित है। जैसे कि मान लीजिए आप 2 पोस्टों के एलिजिबल हैं तो दोनों की आपको फ़ीस अलग अलग देनी पड़ेगी और दोनों के लिए आपको फॉर्म अलग अलग भरना पड़ेगा। वहीं इसमें लिखा हुआ है कि इस विज्ञापन में सम्मिलित समस्त पदों हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हताओं को प्राप्त करने हेतु यदि कोई अभ्यर्थी अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो रहा है तो वह भी आवेदन करने का पात्र है, किंतु प्रारंभिक परीक्षा की तिथि तक उक्त अर्हता में उत्तीर्ण होने से संबंधित प्रमाण पत्र या अंक पत्र प्राप्त हो जाना आवश्यक है। जैसे कि मान लीजिए कोई कैंडिडेट जो अपनी फाइनल ईयर में है, एग्ज़ाम दे चुका है या देंगे, तो वैसे अभ्यर्थी इसमें डाल चुके हैं, लेकिन यहाँ शर्त लगाई है कि उनकी जो प्रारंभिक परीक्षा है, प्री एग्ज़ाम है, उससे पहले उनका क्लियर हो जाना चाहिए, रिजल्ट आ जाना चाहिए, इसमें ऐसा लिखा हुआ है। वहीं आप तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे, लिखा हुआ है प्रारंभिक परीक्षा संबंधित आवेदन पत्र के साथ किसी प्रकार के शैक्षिक अभिलेखों की प्रतियां संलग्न किया जाना अपेक्षित नहीं है, यानी किसी भी प्रकार के शैक्षिक अभिलेखों की प्रतियां यहाँ संलग्न नहीं करनी है प्रारंभिक परीक्षा के लिए। वहीं प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु अलग से आवेदन पत्र जमा करना होगा और अलग से ही उनको फीस भी जमा करनी होगी, यानी कि पहले वो आपको प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन और शुल्क देना है, वहीं दूसरी आप प्रारंभिक परीक्षा को सफल घोषित होते हैं, प्रारंभिक परीक्षा को क्लियर कर लेते हैं तो मेंस परीक्षा के लिए, मेंस मुख्य परीक्षा के लिए आपको अलग से आवेदन करना होगा और फीस देनी पड़ेगी। वहीं फोटो एवं हस्ताक्षर ऑनलाइन अपलोड किया जाना आवश्यक है। वहीं नीचे चलेंगे तो यहाँ पर पूरा दिया है कि किस प्रकार से आपको इसमें अप्लाई करना है, पूरा स्तर दिया है, प्रथम स्तर दिया है कि प्रथम स्तर में आपको क्या करना है, द्वितीय स्तर में क्या दिया है, पूरा दिया है। आप यहाँ से पढ़ के आराम से अपना अप्लाई कर सकते हैं। द्वितीय स्तर में आपको अपनी परीक्षा शुल्क भुगतान करना है, आप देख सकते हैं। वहीं तृतीय स्तर भी आपका आ जाता है। तो शुल्क की बात करें, परीक्षा शुल्क यहाँ पर दिया हुआ है, आवेदन शुल्क यहाँ पर दिया है। आवेदन शुल्क की बात करें तो आवेदन शुल्क थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन आप देख सकते हैं हमेशा की तरह शुल्क ज़्यादा है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में प्रथम चरण की कार्यवाही पूर्ण करने के पश्चात द्वितीय चरण में दिए गए निर्देशों के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान किया जाएगा। ऑनलाइन पेमेंट के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से भुगतान किया गया शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं लिखा हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा में मुख्य परीक्षा हेतु पृथक पृथक शुल्क दिए होगा। विभिन्न श्रेणी के अभ्यर्थी को निम्नवत परीक्षा शुल्क देना होगा। यहाँ पर आपकी श्रेणी दी हुई है, आपकी श्रेणी में सामान्य में अन्य विषय में अनुसूचित जाति जनजाति इस प्रकार से वहाँ जस्ट उनके सामने लिखा हुआ है, उनके रेट्स लिखे हुए हैं, उनकी फीस लिखी हुई है। वहीं सामान्य अनारक्षित के लिखे हैं 950, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिखे हैं OBC के 950 और अनुसूचित जाति के हैं 850 और अनुसूचित जनजाति के हैं 850। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के भी 950 रुपये हैं।
वहीं यहाँ लिखा हुआ ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा आयोग अथवा किसी अन्य आयोग द्वारा प्रतिवारित यानी डिवार किए गए हैं अथवा उनकी प्रतिवारण की अवधि समाप्त नहीं हुई है के आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यदि उक्त तथ्य छिपाकर आवेदन दिया जाता है तो भविष्य में किसी भी स्तर पर उक्त तथ्य के प्रकाश में आने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। वहीं यहाँ लिखा हुआ है कि आपको अगर अपने प्रस्तुत यानी सम्मिशन में कोई आवेदन संशोधन करना है तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं उसमें क्या होगा, अंतिम तिथि तक क्या किस प्रकार से आपको आवेदन अपना संशोधन करना है लिखा हुआ है यहाँ पर पूरा। वहीं हम 6 में चलते हैं, उसमें पूरा रिक्तियों का विवरण दिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं हम 0.6 में आ चुके हैं। रिक्त पदों का विवरण यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर पदों का नाम है, उसके जस्ट नीचे पदों का नाम दिया है, रिक्तियों की संख्या दिया है और आरक्षण की स्थिति में दिया है यानी कि कौन से वर्ग में कितनी आरक्षण सीटें हैं। तो वहीं बात करें संपादक की, तो वहाँ पर 1 है टोटल पोस्ट, प्रतिवेदक की 4 हैं, समीक्षा अधिकारी की यानी आर ओ की 13 पोस्ट हैं, अपर निजी सचिव की 2 हैं, सहायक समीक्षा अधिकारी की 53 हैं, बाकी सब ऐसी हैं 1, 2, 10 इस प्रकार से हैं। टोटल की बात करें तो 8, 7 इसमें टोटल पोस्टें हैं। वहीं लिखा हुआ है कि रिक्तियों की संख्या घट और बढ़ सकती है, यहाँ पर आरक्षण का भी दिया है, आप आरक्षण देख सकते हैं अपने हिसाब से। वहीं नीचे चलते हैं तो आयु सीमा में यहाँ पर दिया हुआ है, आयु सीमा भी यहाँ पर दी हुई है, सबकी आयु सीमा अलग अलग है, तो पहले हम वो देख लेते हैं सबकी शिक्षा अर्हता देख लेते हैं कि क्या है। यहाँ लिखा हुआ है कि संपादक की शिक्षा अर्हता जस्ट उसके सामने दी है, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की साहित्य अथवा किसी सामाजिक विज्ञान में स्नातकोत्तर की उपाधि। 2 कंडीशन दी हैं यहाँ पर, 2 क्वालिफिकेशन दी हैं, पहली ये है, दूसरी है संपादन कार्य या अनुवाद, अनुवाद कार्य या लेखन, संक्षिप्तीकरण कार्य, कम कार्य का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव अथवा ऐसे अनुभव के साथ विधान मंडल सचिवालय में उत्तरदायी पद पर 5 वर्ष की सेवा। वहीं वरीयता भी दी है कि विधि उपाधि होनी चाहिए, उन्हें वरीयता दी जाएगी। वहीं समीक्षा अधिकारी की जो हमेशा से होती है वही है, भारत में किसी भी विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता, यानी किसी भी आपको किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन होना चाहिए जैसा कि होता है। वहीं सहायक समीक्षा अधिकारी है, एआरओ की बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता, नीलिट द्वारा प्रदत्त ओ लेवल प्रमाण पत्र अथवा उसके समकक्ष कोई अर्हता, यानी ओ लेवल या कोई CCC भी आप इसमें लगा सकते हैं, उसके समकक्ष कोई अर्हता, कंप्यूटर में हिंदी टंकण में यानी टाइपिंग में न्यूनतम 25 शब्द प्रति मिनट की गति। तो यहाँ पर सबके दिए क्वालिफिकेशन, जैसे उसके सामने आप अपने क्वालिफिकेशन के माध्यम से इसमें डाल सकते हैं। वहीं यहाँ पर भी वेतन दिया है सारी उनका, भर्तियों का किसका क्या आप ये देख सकते हैं। आयु सीमा यहाँ पर आ जाती है, आप देख सकते हैं आयु सीमा यहाँ पर है, आयु सीमा सबकी अलग अलग है, तो यहाँ लिखा हुआ है संपादक की आयु सीमा उसके जस्ट सामने लिखा हुआ है, न्यूनतम आयु 30 है, अधिकतम 40 है, सहायक समीक्षा अधिकारी की भी 21 है और अधिकतम 40 है यहाँ लिखा हुआ, आप देख सकते हैं तीसरा पॉइंट है मेरा, और सहायक समीक्षा अधिकारी की 21 है और 40 उसकी अधिकतम आयु है, ज़्यादा फर्क नहीं है बाकी सबों की वही है अधिकतम आयु, और समीक्षा अधिकारी से लेकर यहाँ पर पुरुष सुरक्षा सहायक महिला तक न्यूनतम आयु 1 है, बाकी इन 2 की न्यूनतम आयु अलग है, बाकी सबकी 1 है, तो आप देख सकते हैं। तो ये आप नीचे देखेंगे तो नीचे इसमें सिलेबस भी दिया है। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक चीज़ दी है कि इसमें अभ्यर्थियों की जो रिक्त पद दिए हैं वेरियस पोस्ट के, उसके आधार पर जो प्रारंभिक परीक्षा उसके आधार पर 15 गुना अभ्यर्थी यहाँ पर होंगे, यानी कि 15 गुना अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए सम्मिलित होंगे, 15 गुना अभ्यर्थी यहाँ पर लिए जाएंगे। वहीं पर सिलेबस भी दिया हुआ है,
सिलेबस आपको जस्ट नीचे मिल जाएगा, नोटिफिकेशन में ही सिलेबस दिया है। तो हम नीचे चल लेते हैं, सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस ये रहा, देख सकते हैं परिशिष्ट 3 में आपको सिलेबस मिल जाएगा, प्रारंभिक परीक्षा हेतु परीक्षा योजना में पाठ्यक्रम। तो प्रारंभिक परीक्षा में क्या है, आपको पहला है प्रारंभिक परीक्षा में केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार का एक प्रश्न पत्र होगा जो ऑब्जेक्टिव है। प्रारंभिक परीक्षा के कुल प्राप्त अंक 100 हैं। प्रारंभिक परीक्षा की अवधि 120 मिनट होगी। तो ये आपका पूरा एक शॉर्ट हो गया। वहीं आपने फिर सिलेबस दिया है, भाग 1 में सामान्य अध्ययन है, भाग 2 में सामान्य हिंदी है, जिसके 50-50 प्रश्न दोनों के पूछे जाएंगे और 100 नंबर होंगे, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन और 100 ही नंबर। वहीं आपको अवधि 120 मिनट है जो दिया था ऊपर। पाठ्यक्रम आपको यहाँ सिलेबस यहाँ मिल जाता है, सामान्य अध्ययन का, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो होता है, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृत, सामान्य हिंदी का आपको यहाँ मिल जाता है, विलोम वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, जिसके आपको 10-10 शब्द सबके आएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर। वहीं मुख्य परीक्षा की भी यहाँ पर दी हुई है, लेकिन इसमें मुख्य परीक्षा में पोस्टों के हिसाब से एग्ज़ाम बनाया जाएगा, तो उसी के हिसाब से सिलेबस भी दिया है। तो हम सहायक समीक्षा अधिकारी, समीक्षा अधिकारी का देख लेते हैं क्या होगा जल्दी से। तो ये रहा समीक्षा अधिकारी पर, 3 पॉइंट में आपको मिल जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए समीक्षा अधिकारी का सिलेबस। तो यहाँ लिखा हुआ है कि समीक्षा अधिकारी के पद पर चयन केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। वहीं प्रथम प्रश्न पत्र होगा, द्वितीय प्रश्न पत्र होगा, प्रथम में सामान्य अध्ययन होगा, दूसरे में हिंदी होगा, सामान्य हिंदी। पहले प्रश्न पत्र में 140 प्रश्न होंगे और दूसरे में 60 क्वेश्चन होंगे, जो टोटल मिला के 200 हो जाते हैं। पहले में आपको 140 नंबर, दूसरे में आपको 60 नंबर। पहले पेपर में आपको 120 मिनट मिलेंगे और दूसरे पेपर में आपको 60 मिनट मिलेंगे। वहीं नीचे जाएंगे तो पाठ्यक्रम मिल जाता है आपको प्रथम पेपर का, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार, ये पूरा आपको मिल जाता है, तो आप देख सकते हैं इसमें से। वहीं आपको द्वितीय प्रश्न पत्र का भी यहाँ पर सामान्य हिंदी का भी आपको सिलेबस मिल जाता है, विलोम शब्द वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अन्य एक शब्द के लिए एक शब्द, सबके जो 10-10 शब्द आएंगे। वहीं नीचे चलते हैं तो सहायक समीक्षा अधिकारी का 5वें नंबर पर दिया है, आप देख सकते हैं। सहायक समीक्षा अधिकारी के पद पर चयन केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा एवं कंप्यूटर पर हिंदी टंकणी टाइपिंग में निर्धारित गति प्रदर्शित करने वाले अभ्यर्थी से किया जाएगा। वहीं आप देख सकते हैं इसमें भी 2 प्रश्न पत्र हैं, पहला और दूसरा, सामान्य अध्ययन या सामान्य हिंदी। पहले में इसमें भी कुछ ऐसा ही है, 140 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, 140 नंबर, 60 क्वेश्चन, 120 मिनट और 60 मिनट, तो इसमें कुछ चेंज नहीं है। सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी के सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, आप देख सकते हैं। सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो आप इसको देख सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र की यहाँ दी है, प्रोम शब्द वाक्य वर्तनी अनेक शब्द के तत्सम तद्भव सब दिया है यहाँ पर, तो आप अपनी तैयारी, एग्ज़ाम के जो तैयारी है वो आप इसमें से देख के कर सकते हैं। तो याद रहे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अप्लाई करने के लिए भी, और नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नोटिफिकेशन के अंदर ही दिया कि किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, तो नोटिफिकेशन को आप ज़रूर पढ़ लें ताकि आपको आवेदन करने में कोई प्रॉब्लम ना है। याद रहे कि आज से ही ये ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं, तो 7 जनवरी तक चलेंगे, आखिरी डेट तक इंतजार ना करें, आप आजकल में इसमें अप्लाई कर दें क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है बाद में अंतिम तिथि में सबमिट करने में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नोटिफिकेशन का भी और अप्लाई करने का भी। अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ लें आप, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो बाद में। तो ये खबर थी उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय से। इसी प्रकार की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।